नमस्कार, मारू नाम लौरिया माधवभाई रमेश भाई छे। हूँ 11 साइंस में अभ्यास करूँ छूँ। मारी शाळानुं नाम श्री आर्य पटेल बॉयज हाईस्कूल वटवाण सिटी जिल्लो सुरेन्द्रनगर छे। अमारी शाळाना सहायक शिक्षक श्री धवलभाई त्रिवेदी तरफथी अमे मानव देहना स्तरो अने आरोग्य विषय पर माहिती लई अने अहीं उपस्थित थया छीए। तो आ माहिती तमे ध्यानपूर्वक सांभळो एवी अमारी नम्र विनंती। मारू नाम सोनग्रा प्रसाद नारायण भाई छे। हूँ 11 साइंस श्री आर्य पटेल बॉयज हाईस्कूल वढवाण सिटी सुरेन्द्रनगर में अभ्यास करूँ छूँ। जयरे मनुष्य शरीर की रचना की बात आए तरह लगभग बधा मनुष्य ने पोता शरीर की रचना की खबर होती नहीं। एवं मानता हो अपने बे हाथ है, बे पग है, माथु है, एट मनुष्य शरीर की रचना समाप्त थी जाए। परंतु एवं नहीं, भगवान अपना शरीर की अद्भुत रचना करी है। जो आप ऊंडाणपूर्वक अभ्यास करिए तो ज आपने खबर पड़े कि अपना शरीर पैकी एक अंग न हो तो आप जीवन शक्य नहीं। तो चलो अपने अपना शरीर बाह्य स्तरों कंकालतंत्र पाचन तंत्र श्वसन तंत्र हृदय और मूत्रपिंड वगैरह अभ्यास शुरू करिए। मनुष्य सौथी बहारनू पड़ जेने अपने त्वचा तरीके ओळखीए छीए। त्वचा रंग काळो अथवा सफेद होय शके छे। त्वचा में रहेल मेलेनिन नी मात्रा प्रमाणे त्वचा रंग काळो अथवा सफेद होय शके छे। जो मेलेनिन नी मात्रा वधारे होय तो त्वचा रंग काळो, जो ओछी होय तो त्वचा रंग सफेद होय छे। त्वचा ए आपना शरीर ने सौथी बहारनू पड़ छे अने आखा शरीर ने आवृत करी रक्षणात्मक आवरण पूरु पाड़े छे। त्वचा ने नीचेनु पड़ जेने स्नायुनु स्तर कहे छे। स्नायु स्तर में केटलाक स्नायु तंतुको जोड़ाईने जाळ स्वरूपे रचना बनावे छे जेने स्नायुनु स्तर कहे छे। स्नायु स्तर में ओटूनी गैरहजने कारण लैक्टिक एसिडनु निर्माण थाय छे। लैक्टिक एसिड जे अपना शरीर की त्वचा पर परसेवा स्वरूपे बहार आवे छे। अपना शरीर 40-50% वजन स्नायु ने कारण होय छे। स्नायुनु नीचेनु पड़ जेने आपणे कंकाल तंत्र तरीके ओळखीए छे। कंकाल तंत्र ए 206 अस्थिओ अने केटलाक कास्थिओनु बनेलू होय छे। अस्थिओमां कैल्शियम कार्बोनेटनु प्रमाण होय छे। वृद्धावस्थामां कैल्शियम कार्बोनेटनु प्रमाण ओछू थवाथी हाડકામાં દુખાવો ઉત્પન્ન થાય છે કે કંકાલ તંત્રને બે ભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે, એક અક્ષીય કંકાલ અને બીજો ઉપાંગીય કંકાલ। અક્ષીય કંકાલમાં ખોપરી, પાંશળીપિંજર અને કરોડરજ્જુનો સમાવેશ થાય છે। તેના પછી બીજો ભાગ જેને ઉપાંગીય કંકાલ કહે છે। ઉપાંગીય કંકાલમાં બે અગ્ર ઉપાંગો અને બે પશ્ચ ઉપાંગોનો સમાવેશ થાય છે। અગ્ર ઉપાંગો એક ઉપાંગમાં કુલ 30 હાડકાં અને પશ્ચ ઉપાંગના એક ઉપાંગમાં કુલ 30 હાડકાં હોય છે। कंकाल तंत्रना अक्षीय कंकाल में पांसरी पिंजर में एक जोड़ फेफसा सारी रीते रक्षायेला होय छे। फेफसानी अंदर वायुकोष्ट जेवी फुग्गा जेवी रचना जोवा मळे छे, जे वायुना विनिमय माटे जवाबदार छे। ते श्वसन में महत्वनी भूमिका भजवे छे। कोरोना वायरस ए मुख्यत्वे फेफसा उपर असर पहोंचाड़े छे। आथी आपणे मास्क ढांकवुं जोईए तेथी कोरोना वायरस फेफसा सुधी न पहोंचे। बन्ने फेफसानी वच्चे सहेज डाबी बाजुए हृदय आवेलू छे। हृदय ए शरीर में एक ज एवो अंग छे जे मुख्यत्वे चार प्रकारनी पेशीनुं बनेलू छे। हृदय ए रुधिर शरीर में रुधिर ने धकेली पंप तरीके कार्य करे छे। मगज ए खोपरी में रक्षायेलू छे। मगज ए अपना शरीर संपूर्ण नियंत्रण करे छे। मगजनुं वजन 1 किलो 360 ग्राम छे। मगज ने आच्छादित करता चेताकोषोनी संख्या 15-33 अबज जेटली छे। जठर ए उदर गुहा में डाबी बाजू आवेलू जे आकारनू अंग छे। जठर ए जठर रसनो स्त्राव करे छे। जठर में एसिडनी मात्रा वधु थवाथी जठर रोग जेने आपणे एसिडिटी तरीके ओळखीए छीए ते जठर रोग थाय छे। यकृत एटले जेने आपणे लीवर तरीके ओळखीए छीए। यकृत ए जठर ने विरुद्ध दिशा में आवेलू एक अंग छे। यकृत ए लीवर में थतो एक कैंसर जातनो रोग उत्पन्न करे छे। नानू आंतरडू ए पाचन नड़ीनो सौथी लांबो भाग छे। नाना आंतरडानी पुख्त वयमां
लंबाई 6.5 मीटर है। नानू आतरडू ए मोटा आतरडा में खुले छे। मोटू आतरडू ए अपचित खोराक में रहेला पानी अने उपयोगी क्षारनु शोषण करे छे अने मणनु निर्माण करे छे। मूत्रपिंड ए शरीर में लोहीनु शुद्धिकरण करी पेशाब बनावे छे। मूत्रपिंडनी लंबाई 10 सेंटीमीटर, तेनी पहोळाई 5 सेंटीमीटर अने जाडाई 4 सेंटीमीटर छे। मूत्रपिंडनु वजन 150 થી 170 ગ્રામ છે।